वर्ष में 100 दिन गारंटी मनरेगा योजना केंद्र सरकार ने चलाई हुई है। इसी के तहत प्रत्येक परिवार को इस योजना के अंतर्गत कार्य दिया जाता है। इस योजना में काम कर रहे मजदूरों को 7 घंटे में 201 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। सरकार की चल रही योजनाओं का ब्लॉक के अधिकारी जमकर पलीता लगा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत मनरेगा योजना के जीवों में मजदूरी के साथ साथ एक वक्त यानी दोपहर का खाना, स्वास्थ्य किट और आराम के लिए टेंट की व्यवस्था जो मजदूरों के लिए सरकार मुहैया करा रही है, वे विभाग से मजदूरों को नहीं मिल रहा। इसी के चलते मजदूरों का कहना है कि ब्लॉक में अधिकारियों से इन सारी व्यवस्थाओं के लिए बात की जाती है तो अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेता और न ही मजदूरों की सुध लेता है। वहीं ब्लॉक सेक्रेटरी विनोद कश्यप से बात की तो उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना में सरकार ने एक वक्त का खाना नहीं दिया है और स्वास्थ्य किट विभाग से नहीं मिल रही। जैसे ही हमें विभाग से ये सुविधा मिलने लग जाएगी तो हम सभी को ये सुविधाएं मजदूरों को देने लगेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि मनरेगा में आने वाले मजदूरों को ये सारी सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं जिसके वे हकदार हैं। काम कर रहे हैं, साल में कितनी बार काम होता है? साल में होता है, हमें ज्यादा मिल जाता है 100 दिन का काम मिलता है। 100 दिन मिलता है, 100 दिन के बाद हमें फिर कोई काम नहीं मिलता। हम 100 दिन से ऊपर करना चाहते हैं, 100 दिन के बाद फिर काम नहीं मिलता। जो वो पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती, नहीं कोई चीज मिली हमें आज तक। कटन कट जाता हमारा हाथ पे, कुछ नहीं आता हमारे पास, नहीं कोई चीज मिलती हमें। मिलना चाहिए, जैसे हमारे चोट लग जाए, दांत के साथ कट जाए तो हमें वो मिलने चाहिए पूरा दवाई का सिस्टम। हमें आज तक कोई चीज़ नहीं मिली, ना ग्लिफ मिले, ना जूते मिले आज तक, ना ही पानी की कोई सुविधा हमारे पास। जैसे टेंट होता है, जैसे किसी गर्भवती है वैसे या कोई औरत है उनके लिए टेंट होना चाहिए, कुछ नहीं है हमारे पास ऐसी सुविधा। आज तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली है, ना खाना मिला आज तक। हम नहीं जानते कि झोल कहाँ पे है, लेकिन हमको तो सिर्फ काम ही मिलता है, काम के अलावा कुछ नहीं मिला है, बस यही है। क्या क्या मिल रहा है आपको? सर जी सिर्फ काम मिल रहा है 100 दिन का साल में, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। सर जी हमने अपने सेक्रेटरी से शिकायत करी थी कि हमें दोपहर का खाना तो दिलवाओ कम से कम, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण हमारे घर में आटा भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो इसके कारण हमारे को ये खाने की चीज़ उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन उसने नहीं करवाई।